अमेठी में कई साल बाद कांग्रेस ने खोला खाता। जायद नगर पालिका सीट पर कांग्रेस का कब्जा। मनीषा ने लहराया जीत का परचम। बीजेपी प्रत्याशी बीना सोनकर को मिली करारी हार। काफी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने अमेठी जिले में अपना खाता खोला है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने पर कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा ने अपना दम दिखाया और बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी बीना सोनकर को पछाते हुए जीत का परचम लहरा दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रही ये महिला इस वक्त कांग्रेस के लिए अमेठी जिले में संजीवनी साबित हुई है। जिस जिले में कांग्रेस अपना वजूद तक खो चुकी थी, उस जिले में एक सीट पर मनीषा ने कांग्रेस का झंडा लगा दिया। जी हाँ, मनीषा ने जायज नगर पालिका की सीट अपने नाम कर ली। जिन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी और जो हमारे सभी नेतागण हैं, एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जिन्होंने अच्छी लीड ली है, और मैं समस्त जायस नगर पालिका के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने सब लोगों ने मिल करके इस बिटिया को, यहां की बेटी को चुना है। बहुत अच्छा है और अच्छी लीड हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि बिटिया पूरा जायस में सबका काम, जो भी जनता का काम है, पूरी तरह से करेंगी और सबका सम्मान रहेगा, क्योंकि ये पार्टी हमेशा सबको सम्मान दिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मनीषा की जीत को इतना अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जिले में बीजेपी ने कांग्रेस का नामो निशान तक मिटा दिया था और अब जाकर मनीषा नगर पालिका अध्यक्ष की शक्ल में कांग्रेस का खाता खोल रही हैं। ये अमेठी कांग्रेस की ही है, बीच में थोड़ा बहुत कहीं कोई भाग गया है, उसमें कोई बात नहीं। आज पूरे जिले में सबसे ज्यादा जो लीड हुई है कांग्रेस की लीड हुई है। चारों कहीं पर भी आप देख लीजिए, पूरे अमेठी में सबसे ज़्यादा जीत हमारी कांग्रेस पार्टी की मनीषा जी की हुई है। इसके लिए सभी को धन्यवाद और आप पत्रकार बंधुओं को भी। 2024 को लेकर क्या लग रहा है इसमें अध्यक्ष जी? भैया 2024 में आप देख ही रहे हैं, जो जिस तरह से अभी कर्नाटक में आपने देखा, एक तरफ से कांग्रेस की सरकार आई है, आने वाले समय में पूरा कांग्रेसमय होगा। जिस तरह लोगों का नारा था कांग्रेस मुक्त, हम कहते उसी तरह नारा होगा भाजपा मुक्त। आने वाला समय है, कांग्रेस का है, देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। ये जो मोहब्बत की दुकान खुल रही है, बस जो राहुल जी का नारा है कि हम नफरत को मिटाएंगे, वो मोहब्बत का संदेश जो दे रहे हैं उन्होंने पदयात्रा करके, वही है। आज भी जायस में मोहब्बत की दुकान खुली गई है, इसमें सबका साथ है और सबके लिए आने के लिए मोहब्बत के साथ सब लोग। साल 2014 के पहले तक अमेठी जिले को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी लगातार कई बार अमेठी से सांसद हुए, लेकिन देश में मोदी सरकार आने के बाद से मानो अमेठी में कांग्रेस के करियर पर ग्रहण लग गया और धीरे धीरे अमेठी जिले से कांग्रेस का नामो निशान ही खत्म हो गया। लोकसभा से लेकर विधानसभा ही नहीं बल्कि नगर निकाय की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई। लेकिन अब मनीषा ने जायज नगर पालिका की कुर्सी पर काबिज होते हुए कांग्रेस को एक नई पहचान दी है। यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।